तरफ रिसर्चर्स हैं बोल रहे हैं कि उनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, दे नीड टू वर्क मोर, और एक तरफ ये हैं बोल रहे हैं कि यू कैन यूज इट इन इमरजेंसी। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल चैनल्स हैं जो कि अभी घर पे ही ऑक्सीजन बना रहे हैं, घर पे वेंटिलेटर बना रहे हैं, और शायद कुछ दिन में घर पे हॉस्पिटल भी खोल ही देंगे। और तो मन में शायद आ रहा हो कि इस चैनल पे ऐसी बातें क्यों हो रही है, तो हम लोग का चैनल एक इंजीनियरिंग साइंस इनोवेशन बेस्ड चैनल है, और अनफॉर्चुनेटली इसी कैटेगरी में आने वाले कई सारे चैनल्स की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, कुछ ज़्यादा ही मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, और एक बात, हम फ्यूचर में कभी ये नहीं सुनना चाहते कि होममेड इक्विपमेंट्स या फिर ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट के कारण किसी का भारी नुकसान हो गया हो। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वन गुड पर्टिकुलर वीडियो दैट आई हैव फाउंड ऑन द इंटरनेट टिल दिस डेट। ये वीडियो गरीब साइंटिस्ट के द्वारा अपलोड किया गया था, जहाँ पर उन्होंने IISER पुणे के दो रिसर्चर्स का इंटरव्यू लिया, और रिसर्चर्स ने भी साफ साफ कहा कि दे आर हैविंग सम फोमिंग इशू, और उन्हें और काम करना पड़ेगा इस इंस्टेंट ऑक्सीजन मेकिंग फार्मूला पे। रिमेंबर, याद रखिएगा, ये लोग रिसर्चर्स हैं, प्रोफेशनल, इस फील्ड के एक्सपर्ट। मेरे रिकमेंडेशन में आए कई और वीडियोस वेर पीपल आर क्लिक बेटिंग, क्या हो भैया देखो घर पे ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं आप। कोई बाल्टी में बना रहा है, कोई मग में बना रहा है, कोई जग में बना रहा है, कोई बैटरी का पेंसिल बैटरी यूज कर रहा है, कोई डबल ए बैटरी यूज कर रहा है, कोई 9 वोल्ट बैटरी यूज कर रहा है, कोई चम्मच यूज कर रहा है, और कुछ लोग तो ऑक्सीजन बना भी नहीं रहे हैं लेकिन टाइटल में डाल रहे कि देखो हाउ टू मेक ऑक्सीजन एट होम। समझिए इस बात को, ऑक्सीजन निकलेगा वहां से, क्योंकि वो आफ्टर ऑल एक केमिकल रिएक्शन है, और ऑक्सीजन वहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, बट दैट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज, मेडिकल यूज के लिए वो फिट है ही नहीं। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए ऐसे कंडीशंस में। एक तरफ रिसर्चर्स हैं बोल रहे हैं कि उनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, दे नीड टू वर्क मोर, और एक तरफ ये हैं बोल रहे हैं कि यू कैन यूज इट इन इमरजेंसी, इट्स रेडी टू यूज। वेंटिलेटर्स नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस रिकमेंड हो रहे हैं वेंटिलेटर्स के, उसमें टाइटल में ही आ रहा है DIY। सी, आई डोंट नो ये डिजाइन उनका है या नहीं, बट आई नो वन थिंग, that MIT released a design of a ventilator that could be built with the components that are easily available, and even they stated that it should be built only by trained peoples, and the news article of MIT said it is not any type of DIY project, it should not be done by DIY makers. ऐसे ही जरूरत के टाइम पे ही इनोवेशन आइडियाज इन्वेंशन निकल के आते हैं, बट एक्सपेरिमेंट इन दिस वीडियोस आर मिसलीडिंग विद ऑलमोस्ट लिटिल इंफॉर्मेशन। सम ऑफ द टाइटल सेज DIY इन होममेड, एंड करंट कंडीशन में फोर्स सम ऑफ द व्यूअर्स टू रेप्लिकेट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट। सी, अगर कोई भी फन लविंग एक्सपेरिमेंट होता ना, या फिर कोई भी किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो कि डायरेक्टली हम लोग के हेल्थ या फिर लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं था, देन DIY डू इट योरसेल्फ। मैक्सिमम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आर व्यूज ओरिएंटेड वीडियोस, दे आर नॉट हेयर टू हेल्प यू। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशनल वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आप तक सही रिसर्च पहुंच सके जो कि हम लोग के साइंटिफिक फील्ड में हो रहा है। दीज होममेड इक्विपमेंट्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी लाइक DCGI फॉर ह्यूमन यूज। सो DCGI क्या करती है इंडिया में, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को रेगुलेट करती है, और अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेंशन या फिर आपका इनोवेशन हेल्प कर सकता है ऐसे टाइम में, तो फिर यू कैन सेंड इट इन CSIR, NIF और DST, क्योंकि अभी इनोवेटर्स की बहुत जरूरत है। These are being sold to viewers as DIY projects, and DIY projects are never accurate. They might be precise, but human error will make it worse. These medical devices should be built under the professional guidance and supervision. These are science projects, not tested for humans, not to be used on humans. Result can be very lethal. See, samajhiye. साइंस प्रोजेक्ट और एक फाइनल प्रोडक्ट में बहुत अंतर होता है। साइंस प्रोजेक्ट इज गुड फॉर एक्सप्लेनेशन, बट मे बी इट माइट नॉट बी गुड फॉर करंट यूज,
और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आप उसे यूज कर सकते हैं। साफ साफ बोलता क्यों नहीं है कोई कुछ, जब पता हो। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर को पता है, क्रिएटर को पता है कि उसको शायद इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि ये फिट है कि नहीं ह्यूमन यूज़ के लिए, बट एक शांति में रह के उसको अवॉइड कर दे रहे हैं और ऐसे टाइम पे ये कंटेंट निकाल रहे हैं कि हाउ टू मेक ऑक्सीजन। सी आई एम नॉट हेटिंग ऑन समवन या फिर उनके इन्वेंशन, और नाइदर शुड यू, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं अभी इस फील्ड में, और सबसे गलतियां होती है थोड़ी बहुत, और ऐसे ही मुश्किल टाइम में इनोवेशन निकल के आता है। बट हम जैसे व्यूअर्स को अंतर पता होना चाहिए कि आखिर एक साइंटिस्ट, डॉक्टर और एक ट्रेंड प्रोफेशनल और यूट्यूबर में अंतर क्या होता है आखिर का। जिस फील्ड का आप एडवाइस चाह रहे हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, उस फील्ड के प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। तो अगर कोई साइंटिस्ट टर्न यूट्यूबर है या फिर कोई इंजीनियर टर्न यूट्यूबर है तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स इट। और घर पे रहिए, मास्क पहनिए और स्टे सेफ। थैंक यू।